कहते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम पास करना ही ज़रूरी नहीं होता है। एग्ज़ाम पास करने वाले अभ्यर्थियों के जो इंटरव्यू होते हैं वो बेहद ख़तरनाक होते हैं, जिसे पार करना सबसे बड़ी चुनौती होता है। लेकिन जब कोई सेमिनार आईएएस एक 6 साल की बच्ची के सवालों से पहले ही कह दे कि यार डर लग रहा है, तो वो वाक्य आपको भी हैरान कर देगा। ऐसा ही हुआ है झुंझुनू में, जहाँ पर जिला कलेक्टर रवि जैन एक बच्ची के सवालों से पहले ही डर गए। हालांकि ये बात उन्होंने मजाक तथा माहौल को सामान्य करने के लिए कही थी, परंतु जिस सहज तरीके से कलेक्टर रवि जैन ने ये बात कही, उन्होंने मौजूद सभी बच्चों व स्टाफ का दिल जीत लिया। बात हेतम सर की बालिका स्कूल की है, जहां पर एक कार्यक्रम के लिए कलेक्टर रवि जैन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बच्चों से बातचीत के लिए भी एक सेशन रखा। इसमें कक्षा 2 की छात्रा 6 वर्षीय परिधि जांगिड़ कलेक्टर के पास पहुंच गई और कहा कि मुझे आपसे सवाल करना है। एक बात तो कलेक्टर ने कहा कि पूछो, लेकिन इसके बाद परिधि के आत्मविश्वास को देखकर बोले कि यार मैं तो पहले ही डर गया। लेकिन बाद में परिधि ने पूछ ही लिया कि आप कलेक्टर कैसे बने। इसके बाद भी सवालों की श्रृंखला रुकी नहीं। इसके बाद कक्षा 4 की छात्रा भूमिका ने कलेक्टर रवि जैन से उनकी गायकी को लेकर सवाल किया और पूछा कि आपने गाना कहाँ और कैसे सीखा। इसके बाद फिर कक्षा 2 की छात्रा 6 वर्षीय उज्ज्वल आई और उन्होंने कलेक्टर से ये पूछ लिया कि आप कहाँ तक पढ़े हो। कलेक्टर ने तीनों बच्चियों को बैठाया और चॉकलेट दी, फिर उनके सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सवाल छोटे हो या बड़े, कभी पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सवाल करेंगे तो ही हमारी शंकाओं का समाधान होगा। कौन सी क्लास में हो? दूसरी में हो? अच्छा, मेरा नाम बताओ क्या है? अच्छा, तुम्हारा भाई बहन है? मोहित है भाई, वो भी पढ़ता है? कौन सी क्लास में है? बड़ा भाई है? सवाल पूछोगे? बिल्कुल। अरे यार डर लग रहा है, है? लड़कियां अब ज्यादा से ज्यादा साइंस की तरफ आ रही हैं।